स्टार्ट करते हैं वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको पता था अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ पीवी इक्वल कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो पीवी इक्वल हमने एनआरटी पढ़ा जिसकी प्रूविंग की थी 2.3026 एनआरटी लॉग बेस 10 वी टू अपॉन वी वन। इन द टर्म्स ऑफ पी वन एंड पी टू यू कैन चेंज वी प्रोपोर्शनल वन अपॉन पी अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ। This process is very slowly process and the wall is conducting. Wall कैसी थी हमारी? Conducting थी। But in the adiabatic process means होता है exchange of heat constant. Exchange of heat का means होता है कि अब किसी को heat दें तो वो heat लेगा नहीं। क्यों? जब किसी का temperature बच्चे आप same रखोगे तो heat का जो exchange हो रहा है, जो कह सकते हो कि किसी system से heat emit होकर कोई system absorb कर रहा है, तो उसका एक्सचेंज जीरो होना चाहिए। एक्सचेंज का मींस डेल्टा जो चेंज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का मींस हुआ बेटा कि डेल्टा क्यू जीरो होगा। डेल्टा क्यू जीरो का मींस कांस्टेंट, और बता चुका हूं कांस्टेंट मींस इंक्लूडिंग जीरो। कांस्टेंट का मींस होता है इंक्लूडिंग जीरो। अब जरा एक चीज देखो बेटा, सबसे दो बातें आपको विशेष याद रखनी। पहली बात कि भैया प्रोसेस सडन है, बहुत सडनली प्रोसेस होता है। सेकंड, फास्ट प्रोसेस है, वो स्लो था ये कैसा है? फास्ट प्रोसेस है। थर्ड, जो वॉल होती है वॉल वो कैसी होती है बेटा? डायाथर्मिक। डायाथर्मिक कह दो, इंसुलेटिंग कह दो, एक बात है। तो क्या कह सकते हैं बेटा? इंसुलेटिंग वॉल है। और इंसुलेटिंग का मींस हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, यहां पर एक कहानी है कि जो पीवी होता है, अभी आप पढ़ते थे पीवी इक्वल कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, बायल्स लॉ के हिसाब से जब हम आइसोथर्मल की बात करते थे। लेकिन एडियाबेटिक में होता है पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। जहां पर बेटा जो गामा है ये क्या है? ये रेशियो है ऑफ टू मोलर स्पेसिफिक हीट, टू मोलर स्पेसिफिक हीट। गामा क्या है? एक रेशियो है। किसका है? मोलर स्पेसिफिक हीट का, जिसको आप क्या कहते हैं? गामा इक्वल सीपी अपॉन सीवी कहते हैं। बेटा सीपी होता है मोलर मास टाइम्स स्पेसिफिक हीट, और सीवी होता है मोलर मास टाइम्स सीवी का। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो आप कैपिटल सीपी अपॉन कैपिटल सीवी भी लिख सकते हैं और स्मॉल सीपी अपॉन स्मॉल सीवी भी लिख सकते हैं। कैपिटल सीपी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या बेटा कांस्टेंट प्रेशर को आइसोबैरिक कहते हैं? क्या कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक कहते हैं? क्या इसका मतलब है इन दोनों की हीट का जो रेशियो है उसी को कहते हैं गामा। तो गामा कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। बस डिपेंड किस पे करता है कि गामा की वैल्यू बेटा 1.67 होती है, या आप इसको लिख सकते हैं 5/3 फ्रैक्शनल नंबर में। किसके लिए? मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, लाइक दैट हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन एज इट इज। ऐसे ही बेटा गामा जो होता है वो 1.4 होता है, या आप लोग 7/5 भी लिख सकते हैं। किसके लिए बेटा? डाया एटॉमिक के लिए। इसके लिए डाया एटॉमिक। डाया एटॉमिक में क्या आते हैं? हाइड्रोजन गैस H2O2Cl2 इस टाइप के फंक्शन। और बेटा इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है एयर, सबसे पॉपुलर एग्जांपल है इसका एयर। फिर बेटा गामा की वैल्यू होती है 1.33, जिसको आप लिख सकते हैं बच्चा 4/3। ये बेटा किसके लिए? पॉलीएटॉमिक। किसके लिए है? पॉलीएटॉमिक, या आप क्या कह सकते हैं? ट्राईएटॉमिक। क्या बोल सकते हैं? ट्राईएटॉमिक भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल H2O या कह सकते हो NH4Cl, ऐसे फंक्शन जो मिक्स हो जाते हैं वो हमारे सब किस में आते हैं बेटा? पॉलीएटॉमिक में आते हैं। तो ये गामा की वैल्यू हो गई। ठीक, गामा क्या है? एक रेशियो है। किसका रेशियो है बेटा? मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो है अकॉर्डिंग टू, ये बेटा साइंटिस्ट है, कुछ बुक्स में नाम लिखता भी है कुछ नहीं लिखता, पायसन। पायसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था कि पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट।
आप पॉइसन के रूल से कह सकते हो या सिंपल वे में ऐसे ही लिख सकते हो। तो पीवी की पावर गामा इक्वल कॉन्स्टेंट, जहां पर गामा क्या है, रेशियो है किसका बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट का। गामा को हम क्या कहते हैं, सीपी अपॉन सीवी। सीपी क्या है, सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज। अच्छा आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, एक कॉमन सेंस सोचना, मैंने सीपी को ऊपर क्यों लिखा, सीवी क्यों नहीं लिखा, तो सीवी अपॉन सीपी भी तो कह सकता था, कह सकता होगी नहीं, मैं सीपी और सीवी में सीवी को ऊपर भी रख सकता था, लेकिन मैंने सीवी को ऊपर क्यों नहीं रखा, इसका मतलब समझना। क्वेश्चन पूछता है कि वर्क डन इज मैक्सिमम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इन कंपैरिजन टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वाई। कॉन्स्टेंट प्रेशर में हम ज्यादा वर्क करते हैं और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में कम, क्यों बेटा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में शायद वर्क होता ही नहीं। W इक्वल पी डेल्टा वी, डेल्टा वी कैसा था, जीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो वर्क तो जीरो हो गया। और सीपी में वर्क कितना मिला, पी डेल्टा वी, वहां तो जीरो नहीं था ना, पी वी टू माइनस वी वन, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, सीपी का वर्क बड़ा हुआ सीवी के कंपैरिजन में, इसीलिए सीपी को ऊपर लिखा जाता है और सीवी को अपॉन में लिखा जाता है। ध्यान रखना हमेशा सीपी हायर देन होता है सीवी, ठीक है। तो अब सोचो गामा क्या है, 1.67 5 बाई 3 मोनाटॉमिक, 1.4 7 बाई 5 डायटॉमिक, 1.33 या 4 बाई 3 उसको क्या कहते हैं बेटा, पॉलीएटॉमिक कहते हैं। इतनी बात ठीक है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, मैं दो गैसेस ले लेता हूं, दो गैसेस बेटा, दो गैसेस लोगे तो P1 V1 की पावर गामा इक्वल P2 V2 की पावर गामा इक्वल क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट। हमने ये कब लिया, फॉर टू गैसेस, किसके लिए लिया है, टू गैसेस, दो गैस के लिए हमने लिया। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, हमको एक रिलेशन मिल गया न्यूमेरिकल का, P1 V1 की पावर गामा इक्वल P2 V2 की पावर गामा, तो क्या लिख सकते हैं आप, P1 अपान P2 इक्वल V2 की पावर गामा अपान V1 की पावर गामा, तो P1 अपान P2 इक्वल V2 अपान V1 की होल पावर गामा। एक तो आपके पास ये रिलेशन आ गया, ठीक, P1 अपान P2 इक्वल V2 अपान V1 की होल पावर गामा। इतनी बात ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कैसे चेंज करते हैं जरा उसको सोचो। पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट है, ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम फिर से ले रहे हैं। तो पहला रिलेशन आपको मिल गया, कोई आपसे प्रेशर और वॉल्यूम में फॉर्म में पूछे, कह दे सडन प्रोसेस वॉल्यूम 8 टाइम कंप्रेस हो गया, 8 टाइम एक्सपेंड हो गया, तो बताइए इनिशियल प्रेशर इतना था, फाइनल कितना होगा, तो आप इसी प्रोसेस से सोल्यूशन कर लेंगे। अभी एग्जांपल भी कराएंगे, पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। फिर बेटा फिर फॉर्मूला उठाओ, पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, ठीक है। क्या हमको एक बात पता है बेटा कि पीवी इक्वल एनआरटी होता है। अगर हम एक मोल के लिए कहें तो आपको पता है कि पीवी इक्वल आरटी होता है, आइडियल गैस का हो रियल गैस का हो यही क्वेश्चन लगती है। क्या मैं बच्चों पी की जगह आरटी अपान वी लिख सकता हूं, पी की जगह आरटी अपान वी लिख सकता हूं, आर क्या है, कांस्टेंट है। अब दो गैसेस का लोगे तो वैसे भी आर कट जाएगा, चलो मैं लिख देता हूं। तो ये पी मिला हमको आरटी अपान वी, हम इसको उठा के बेटा यहां रख लेते हैं, ठीक है। तो बताओ पी की जगह क्या लिखा बेटा, आरटी अपान वी इंटू वी की पावर गामा इक्वल, बेटा वी ऊपर गया, वी की पावर माइनस वन, वी की पावर माइनस वन, तो आर टी वी की पावर माइनस वन वी की पावर गामा इक्वल के। क्या बेटा बेस इक्वल है, पावर ऐड होंगी, देखो बेस इक्वल तो पावर ऐड करो, ऐड करोगे क्या लिखोगे, आर टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल के। इतनी बात ठीक है, आर टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल के, हमको एक फॉर्मूला मिला। अब इस फॉर्मूले को हम करते हैं एक्सपेंड फॉर टू गैसेस, दो गैसेस के लिए ले आते हैं, तो दो गैसेस के लिए ले आइए आप, टू गैसेस के लिए। तो जरा बताइए अगर हम टू गैसेस के लिए लाएंगे तो क्या आर चेंज होगा, आर तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, चेंज होता ही नहीं। चेंज कौन होगा, टेम्परेचर, चेंज कौन होगा, वॉल्यूम, ये तो चेंज होगा नहीं। तो मैं क्या करूं, आर टी वन टी की जगह टी वन वी की जगह वी वन, वी वन की पावर गामा माइनस वन इक्वल, इधर क्या लिखो बेटा, सेम प्रोसेस उधर लिखोगे,
तो क्या लिखोगे, आर टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन, आर से आर, तो टी वन अपान टी टू, टी वन अपान तो वी टू अपान वी वन की होल पावर गामा माइनस वन, टी वन अपान टी टू इक्वल वी टू अपान वी वन की होल पावर गामा माइनस वन। और गामा आपको पता है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है आपको, न्यूमेरिकल में गामा की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। तो हमको ये रिलेशन मिल गया टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, इसी को बुक्स में कहते हैं रिलेशन ऑफ टेम्परेचर विद वॉल्यूम। वॉल्यूम का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है बेटा, तो टी वन अपान टी टू इक्वल वी टू अपान वी वन की होल पावर गामा माइनस वन। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद ना रहे इसको याद कर लीजिए, आप इसी में चेंज कर लीजिएगा। दो गैसेस कहेगा आपको कंपैरिजन करना ही पड़ेगा, प्रेशर का वॉल्यूम से कहता है, ये लिखा है पी वन अपान पी टू इक्वल वी टू अपान वी वन की होल पावर गामा से, ठीक है। जनरल फॉर्मूला कहे पीवी की पावर गामा इक्वल कॉन्स्टेंट, गामा इज द रेशियो ऑफ टू मोलर स्पेसिफिक हीट, वाई सी पी इज ग्रेटर देन सी वी, इन द सी वी नेट वर्क डन इज जीरो बिकॉज पी डेल्टा वी इक्वल जीरो इन द आइसोकोरिक प्रोसेस, बट इन द आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी जीरो तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर में आइसोबैरिक में इट हैव वर्क डन, वह वर्क कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि CP इज ग्रेटर देन CV, CP हमेशा CV से बड़ा होता है। इतनी बात ठीक है, इस पर इसको नोट कर लें। दो फॉर्मूले प्रूव हुए, P1 अपान P2 इक्वल V2 अपान V1 की होल पावर गामा। सेकंड प्रूफ किया गया T1 अपान T2 इक्वल V2 अपान V1 की होल पावर गामा माइनस वन। अब इसी का न्यूमेरिकल लगाते हैं, कह रहा बेटा इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का इनिशियल प्रेशर दे रहा है। अब चाहो तो आपकी इच्छा है वन को इनिशियल कर लो, टू को फाइनल कर लो, नहीं तो इनिशियल में आई और एफ में लिखते लिखते भूल जाते हैं, तो आप वन और टू से लिखो। इनिशियल प्रेशर P1 हाउ मच, 5 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है अंडर द एडियाबैटिक प्रोसेस इट्स वॉल्यूम बिकम्स 1/9 ऑफ द इनिशियल, वॉल्यूम बिकम्स 1/9 ऑफ इनिशियल। इस लाइन को लिख सकते हो वॉल्यूम बिकम्स 1/9 ऑफ इनिशियल। तो इनिशियल बेटा पहला होता है, तो वी वन को क्या लेट कर लो, वी लेट कर लो, और V2 कितना 1/9, तो V का कितना कर दो 1/9, तो V by 9, ठीक है। इतनी बात, 9 टाइम्स कहता मैं 9V कर देता, 1/9 कह रहा है तो मैंने 1/9 कर दिया। तो फाइंड द फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर निकालना है, और गामा 3/2 बता रहा है आपको, गामा गिवन है 3/2, और बेटा P2 पूछ रहा है फाइनल प्रेशर। क्या P और V दिख रहे हैं दोनों में, सिर्फ देखो P और V, ये लिखा पहला फॉर्मूला, तो अप्लाई करिए P1 अपान P2, फॉर्मूला जितनी बार लिखने उतना अच्छा है। P1 कितना 5 × 10^5, P2 नहीं पता बेटा, बेटा V2 कितना है, V2 V by 9, जरा देखो V2 V by 9, बेटा V1 कितना है V की पावर गामा, गामा कितना बेटा 3/2, V से V कैंसिल, तो बेटा 5 × 10^5 अपान P2, क्या बेटा ये 1/9 हो गया, ये 1/9, बेटा 1/9 को कहते हो 1/3 का होल स्क्वायर, 3 × 3 = 1 का कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ना, पहले से ऊपर क्या लिखा है 3/2, तो × 3/2 = 2, तो बेटा आया 5 × 10^5 अपान P2, 5 × 10^5 अपान P2, बेटा यहाँ वो 3 लिखा है, 3 का 3 टाइम्स करो तो 1 का 3 टाइम्स तो 1 हुआ, और 3 का 3 टाइम्स तो 3 × 3 = 9 × 3 = 27 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, P2 इक्वल 5 × 7 = 35 कैरी चला गया 3, 5 × 2 = 10 और 3 = 135 × 10^5 न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम देखो बच्चा कितना हो गया था, 1/9। देखो वॉल्यूम घट गया, देखो प्रेशर बढ़ गया, 135 हो गया। तो हमेशा का रूल है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर हमेशा डिक्रीज होगा। अब वो कितना डिक्रीज होगा ये तो सिचुएशन बताएगी। तो P2 मिल गया 135 × 10^5। सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, P1/P2 = V2/V1 की होल पावर गामा। आपको ऐसे ना याद हो तो P1V1 की पावर गामा = P2V2 की पावर गामा, आप वैसे आप लगा लीजिए। ठीक है, इतनी बात पहले इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट करा बेटा, अ गैस इज सडनली, देखो सडनली पहचान है एडियाबेटिक की, कंप्रेस्ड टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल का 1/4 हो गया, तो बेटा ओरिजिनल क्या होता है, पहला वाला। तो V1 को क्या मान लो, ठीक कितना हो गया V/4, तो बेटा V2 कितना बचेगा, V/4 बचेगा। ठीक है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, बताओ टेम्परेचर कितना बढ़ गया जबकि ओरिजिनल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। ओरिजिनल मतलब फर्स्ट वाला, तो T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 + 273 कन्वर्ट इनटू 300 केल्विन। ठीक है बेटा, गामा गिवन है 1.5, गामा गिवन है 1.5 मान नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। बेटा हमको फाइंड क्या करना है, T2 फाइंड करना है। फॉर्मूला ये लिखा है T1/T2 = V2/V1 की होल पावर गामा - 1। बेटा रखो T1 कितना 300, बेटा T2 नहीं पता, V2 बेटा कितना है V/4, बेटा V1 कितना है V की पावर गामा, गामा कितना था 3/2, 3/2 में 1 घटाओ 3, अरे 3/2 - 1 तो 2 पर गया, कितना बचेगा 1/2। तो बेटा V से V, तो बेटा 300/T2 = 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 की होल पावर लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 इंटू 1/2, 2 से 2 बेटा 2 × 300 कर लीजिए, तो टेम्परेचर T2 कितना 600 केल्विन, लेकिन जिसमें हमको मिला था सेल्सियस में वही फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 600 में बेटा 273 माइनस कर देते हैं, तो 273 माइनस करो कितना मिलेगा 323 शायद, ठीक है 323 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अच्छा सॉरी, ओके ओके, 327 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक, इतनी बात, ये टी और वी के रिलेशन वाले हैं, तो नोट कर लो इसको। देखिए फॉर्मूला क्या था बेटा, पी वी की पावर गामा इक्वल कॉन्स्टेंट, यही मेन फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, हमको पता है जो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए, वो शायद बेटा PV = RT होता है। हम P को रिप्लेस कर चुके हैं अभी, तो हमने ये रिलेशन बनाया था, तो हम P को नहीं करेंगे इस बार, हम V को करेंगे। तो बताओ V इक्वल क्या बना, RT/P, V = RT/ बेटा V को यहां अप्लाई करो, तो जब V को हटाओगे तो P × बेटा V की जगह RT/P = γ = constant। ठीक, कितनी बात बेटा, P को जब अगर पूरा ब्रैकेट ओपन आप करोगे तो R/γ क्या बना, जरा गौर से देखना, R/γ बेटा T को खोलो, T/γ बेटा P/γ और ऊपर गया P/−γ, P/γ ऊपर जाएगा तो P/−γ, और साथ में बेटा एक P और लिखा है, क्या मैं P/1 लिख दूं, P/1 इक्वल बच्चा कांस्टेंट। फिर देखो कुछ अलग से नहीं करना, V को रिप्लेस किया RT/P आया, V के प्लेस पे RT/P रखा बेटा R/γ, ठीक है T/γ, ठीक है P/αμ है ना,
ऊपर लाओगे तो पी की पावर माइनस गामा, और बेटा ये पी की पावर वन है, पी की पावर वन इक्वल बेटा के, देखो बेस इक्वल पावर एड, बेस इक्वल पावर, तो बताओ क्या बना, आर की पावर गामा, टी की पावर गामा, पी की पावर वन माइनस गामा इक्वल, ये फॉर्मूला। ठीक, अब आगे सुनो, इस फॉर्मूले का कोई काम नहीं होता क्योंकि इससे न्यूमेरिकल रिलेशन नहीं पूछे जाते। हम वही कहानी टू गैसेस के लिए अप्लाई करते हैं, टू गैसेस के लिए। तो अगर बेटा हम टू गैसेस के लिए अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, देखो आर तो चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, तो इसको मत लिखो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब दो चीजें बची, टी और पी, टी और दो गैसेस का लिखना है, तो क्या लिखोगे, टी वन की पावर गामा, टी वन की पावर यहां पर बेटा, पी वन की पावर वन माइनस गामा इक्वल टी टू की पावर गामा और पी टू की पावर वन माइनस गामा। आर की पावर गामा लिखोगे भी बेटा दो तरफ कट जाएगा, तो टी वन की पावर गामा, टी वन की पावर वन माइनस गामा इक्वल टी टू की पावर गामा और पी टू की पावर वन माइनस गामा। तो बेटा फॉर्मूला क्या बना, T1 अपान T2, जरा गौर से देखना क्योंकि इसमें गामा बहुत ज्यादा है, T1 अपान T2 की होल पावर गामा। ठीक है, इक्वल बेटा T1 अपान T2 की होल पावर गामा, ये इधर ही रहेगा, तो P2 अपान P1 की होल पावर 1 माइनस गामा, P2 अपान P1 की होल पावर 1 माइनस गामा और T1 अपान T2 की पावर गामा। ये रिलेशन है T एंड P का, प्रेशर और टेम्परेचर का। ठीक है, ठीक, तो टी वन अपान टी टू की होल पावर गामा इक्वल पी टू अपान पी वन की होल पावर वन माइनस गामा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है बेटा, हमने आरडीएल गैस का वन मोल लिया, पीवी इक्वल आरटी, वी के प्लेस पे आरटी अपान पी यहां रख दिया, आर की पावर गामा, टी की पावर गामा, P की पावर गामा, न्यूमरेटर में ले जाओ माइनस गामा और P की पावर वन, बेटा बेस इक्वल पावर ऐड कर दो, वन वाला प्लस है पहले लिख दो, गामा माइनस है बाद में लिख दो, दो गैसेस का है। ठीक है, इतनी बात, एग्जांपल एक कर लेते हैं, देखो कह रहा बेटा अ टायर पंप टू द प्रेशर 3.375 एटमॉस्फियर, एक टायर में पंप में जो प्रेशर है वो 3.375 एटमॉस्फियर, तो बेटा P1 दे रहा है आपको, P1 3.375 atmp, चेंज मत करना अभी, इसको ऐसे ही रखना 3.375। ठीक है, एंड 27 डिग्री सेल्सियस, एंड 27 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा T1 दे दिया आपको 27 प्लस 273, तो बेटा कितना बन गया 300 केल्विन। बेटा गामा की वैल्यू गिवन दे रहा है 1.4, गामा दे रहा है आपको बेटा 1.4 दे रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P2 कितना दे रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P2 बेटा दे रहा है 180 MP। ठीक, वो आपसे बेटा इसने T2 पूछा है, T2, अब देखो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते थे T1 अपान T2 की होल पावर गामा इक्वल, चेंज कर दो तो P1 अपान P2 की होल पावर 1 माइनस गामा को लिख दो, गामा माइनस 1, चेंज कर लीजिए। अब बताओ T1 कितना है बेटा, T1 300। ठीक है बेटा, T2 नहीं पता की पावर गामा, बेटा गामा तो सबको पता है 1.4 इक्वल बेटा P1 3.375, P2 बेटा 1 की पावर गामा माइनस 1, बेटा 1.4 में जब 1 माइनस करोगे तो 0.4 बचेगा, कितनी बार, ठीक है 1.4 में 1 माइनस करो कितना बचेगा 0.4। देखो जैसे हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड होता है पावर्स में, तो देखो एक काम करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाया बेटा, यहां पर 2 टाइम और 2 7 टाइम्स, ठीक, और फिर आपके लिए वही समस्या बना रहा है,
देखो 1.4 और यहां पर 0.4 है, तो एक काम करो भैया क्या कर सकते हैं, 300 अपॉन T2 की पावर कितनी बच्चा 7 और 3.375 की पावर कितनी है 2 और ये उधर जाएगा तो 2/7 T1/T2 की पावर गामा 1.4 वैल्यू गलत लिख दी क्या, सॉरी बेटा 1.5 गिवन है, सॉरी एक तभी मैं कहूं इतना बड़ा, एक सेकंड मैं चेंज कर देता हूं, ये बेटा 1.5 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा, 1 माइनस करोगे ना तो बेटा 5 3 15 यहां बचेगा 1/3 ठीक। हाँ ये बेटा किसका क्यूब रूट है, अभी मैंने समझाया था 3.375 1.5 का होता है, 2.25 का 1.5 करो, यही जो लिखा यही आता है, तो बताओ कितना हो गया 300/T2 = 1.5 का क्यूब इनटू 1/3, ये बेटा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो T2 इक्वल आ जाएगा 300/1.5, तो फाइनल आंसर 200 केल्विन, फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चा 200 केल्विन, लेकिन बेटा सोचो यहां पर सर डिग्री सेल्सियस में दिया था ना, तो इसको 273 से माइनस करना पड़ेगा 273 से, तो 273 से माइनस करोगे तो आंसर आएगा -73 डिग्री सेल्सियस, ठीक है इतनी बात, हाँ नोट कर लो।